हम कबूली करेंगे, जब हम अंगीकार करते हैं, कबूली करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हमने मुंह से बोलकर इसे कबूल करना है, अंगीकार करना है। बेहद ज़रूरी है कि हमने इसे मुंह से बोलना है। आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए, अगर आप हिंदी में कबूल करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर आप अपनी भाषा में कबूल करना चाहते हैं अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन इसे अपने मुँह से बोल कर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम कॉन्फिडेंट इन द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड टू पुट मी ओवर ऑलवेज irrespective of the circumstances or opposition. I stand in faith against any law, decree, government, or individuals who have set themselves against the Church of Jesus Christ. And I declare that their defense is gone from them. Glory to God. मैं परमेश्वर के सामर्थ देने वाले वचन में पूर्ण रूप से आत्मविश्वास रखता हूँ। वो मुझे हमेशा ऊपर उठा लिए हुए चलते हैं, इसके बावजूद कि जो भी मेरी परिस्थितियाँ रहे या विरोध रहे, मैं ऊपर उठाए हुए चलाया जाता हूँ। इन परमेश्वर के सामर्थ्य के वचनों के द्वारा इसमें मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं विश्वास में खड़ा हूँ उन सारे व्यवस्था के विरोध में, घोषणाओं के विरोध में, सरकार और हर एक व्यक्ति के विरोध में जो भी अपने आप को कलसिया मसीह यीशु की इसके विरोध में लाता है, खड़ा करता है। एंड और फिर मैं यह घोषणा करता हूँ कि उनका सुरक्षा चला गया है उनके तरफ से। महिमा हो परमेश्वर की। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है वो है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है वो है सैम्स 27 चैप्टर 1-3 वर्स, एक्ट्स 5 चैप्टर 25-29 वर्स, 1 John 4:4। भजन संहिता 27 अध्याय 1-3, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 25-29, 1 John 4:4। तो हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय 1-3 पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्शन में से। द लॉर्ड इज माय लाइट एंड माय सेल्वेशन, होम शाल आई फियर। द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, होम शाल आई बी ऑफ रेड। वेन द विकेड इवन माइन एनिमीज एंड माई फोज केम अपॉन मी टू ईट अप माई फ्लैश, दे स्टम्बल्ड एंड फेल। दो एन होस्ट शाल शुड इन कैम्प अगेंस्ट मी, My heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Amen. Hallelujah. भजन संहिता 27 अध्याय का 1, 2 और 3। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है,
मैं किस कब भय खाऊं, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। और एक बार पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। 27 अध्याय का पहले वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़ रहे हैं। यहोवा मेरा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक्ट्स 5 चैप्टर 25 वर्स से 29 वर्स। Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did not we straitly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this courage. थैंक यू आवर फादर। प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 25 वचन से 29 वचन तक पढ़ेंगे। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू जीसस। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय 25 वचन से 29 वचन। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आई लव यू लॉर्ड जीसस, आई लव यू आबा फादर गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, यू आर ऑसम गॉड फॉर अस। थैंक यू लॉर्ड, यू आर ऑसम गॉड अबा, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम आबा फादर गॉड। धन्यवाद इन वचनों के लिए। थैंक यू आबा, थैंक यू।